देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड है 0.001 और पूरे पर लगा हुआ है पर। अब से पहले हमने दो क्वेश्चन पढ़े हैं, इसके सीखा था, उसी प्रकार से इसको भी सीखते हैं। इस बार आप कितने अंकों पर बार लगा हुआ है? थ्री डिजिट्स पर बार लगा हुआ है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.001, फिर 001, 001 इस प्रकार का नंबर है ये, डॉट 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 अनंत तक चल रहा है। तो वही काम करेंगे, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट से बोल देंगे, लेट एक्स इक्वल टू 0.001001001 डॉट 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 डॉट, इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। अब देखिए बार लगा हुआ है, उसके अलावा और कोई नंबर है क्या इसमें? इनके डेसिमल के इस तरफ, डेसिमल के राइट साइड कोई एक ऐसा नंबर और है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है? तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं, तो हमें उधर इधर लाने की उसको कोई जरूरत है नहीं। जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था ना, उसमें हम किसको लेके आए थे? इधर फोर को लेके आए थे, तो इस प्रकार से फोर को लाने की कोई जरूरत है नहीं। तो डायरेक्ट हमें अगली स्टेप का काम करना पड़ेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि कितने डिजिट्स पर बार लगा हुआ है। तो 1, 2, 3 थ्री डिजिट्स पर बार लगा हुआ है, इस कारण 1 पे हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पे हो तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 पर हो तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 टू इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक को 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करोगे तो x को 1000 से करेंगे तो 1000x इक्वल टू, इसे 1000 से गुणा करेंगे तो डेसिमल 3 अंक आगे चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 001 पॉइंट। देखो पहले डेसिमल यहां पर था, अब ये यहां हो गया, तो 001 पॉइंट 001 001 001 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से दैट्स आवर सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, वही काम करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड माइनस फर्स्ट, समीकरण 2 - 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो समीकरण नंबर 2 है 1000x बराबर 001.001001001, दैट्स ऑन चलता रहेगा, और ये है x इक्वल टू 0.001001001, सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये आगे वाला सारा कट जाएगा, 1100001 सारे ये सभी कट जाएंगे, और 1 - 0 = 1 इक्वल टू 1000 में एक्स में से एक एक्स गया तो 999x, तो यहाँ आ गया 999x बराबर 1, तो x बराबर 1/999 ये हो जाएगा इसका। अब किस क्वेश्चन में HW में देता हूँ आपको, HW में आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन करना है 0.3 का, और इस पर बार लगी हुई है, सेकंड करना है 0.46 इस पर बार लगी हुई है, या 47 का कर लेना, और थर्ड क्वेश्चन आपको करना है 0.238